अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मार्च 3-4 को कदरी में बहुत बड़ा इज्तिमा चलने जा रहा है। इसमें तकरीबन अनंतपुर से लेते हुए चित्तूर डिस्ट्रिक्ट तक और इधर रायचोटी कड़पा डिस्ट्रिक्ट से लेते हुए कर्नाटक बॉर्डर तक गोरीबिद्दनूर भी मिलाकर तकरीबन समझो अनंतपुर, धर्मावरम, हिंदूपुर, कदरी, गोरंटला, पेनुगोंडा, गौरीबिद्दनूर, अंगल्लू, मदनपल्ली, रायचोटी, तरीगोंडा, ये तमाम गांव से बहुत बड़े पैमाने में तकरीबन अनंतपुर ज़िले में कदरी का जो इज्तिमा मार्च 3 को चलने जा रहा है, ये इज्तिमा को तकरीबन 3 से 4 लाख मजमा जुड़ने का अंदाज़ा है, क्योंकि कोविड के बाद 2 साल इज्तिमा में बहुत सारे शिरकत नहीं फरमा सके कोविड के वजह से। उसके बाद जो अभी चल रहा है इज्तिमा कदरी के अंदर, कदरी शहर के अंदर कुमारवंडला पल्ली में, ये बहुत बड़ा मजमा जुड़ने का इज्तिमा है, क्योंकि इतने शहरों से तकरीबन 15-20 तालुकों से, 3 डिस्ट्रिक्टों से जो इतना बड़ा चलने का इज्तिमा कदरी के अंदर पहली मर्तबा 3-4 लाख आदमी जुड़ने का इज्तिमा चल रहा है। इस इज्तिमा के मुताल्लुक तमाम काम अभी पंडाल का काम हो चुका है और जो तामखाने हैं और इस्तंजा खाने हैं, ये सब पूरे काम है इंशाअल्लाह। ये महीना लास्ट तक तकरीबन 25 तारीख तक पूरे काम मुकम्मल हो जाएंगे। 3-4 तारीख को इज्तिमा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत बड़े मजमे में बहुत बड़ा मजमा जुड़कर इस इज्तिमा होगा। इस इज्तिमा में ये तमाम खरियों के लोग हैं, बाजू के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तमाम शिरकत फरमाए, क्योंकि ये इतना बड़ा इज्तिमा हमारे ज़िले में ख़ासकर कदरी शहर में चलना हम सब बहुत खुश नसीब है, खुश किस्मत है। इसमें हम सब मिलकर जुड़ना भी है, जुड़कर तमाम नमाज़ों में, दुआओं में और जमातें जितने भी निकल रहे हैं जमातों में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जमात का काम इतना बड़ा काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया जमात के साथ जो आदमी जुड़ता है उसकी बाबरकत, उसकी बरकत ही बरकत होगा उसके कारोबार में, तिजारतों में, घर में, व्यापारों में, तमाम बच्चों में, सब में बरकत ही बरकत होगा। इसलिए ये जो मार्च 3-4 तारीख को चलने वाला जो इज्तिमा, इतना बड़ा इज्तिमा, ये इज्तिमा में हम सब शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हम ही नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको इंशाअल्लाह मालूम करा के जो इज्तिमा में शिरकत करने के लिए उन सबको दावत देंगे। इस इज्तिमा में शिरकत होने का ही नहीं है, इस इज्तिमा से इंशाअल्लाह हर नौजवान, हर आदमी कम से कम 3 दिन 40 दिन, 3 महीने 4 महीने वक्त निकाल कर जमात में निकलने का भी इंशाअल्लाह इरादा कर इज्तिमा में आए तो बहुत बड़ा फ़ायदा हम सब के लिए होगा। आप सब करते बोल के भी उम्मीद है, आप सब के तरफ आप सबका जो यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं, ये इंतजाम कमेटी तकरीबन 1 महीने से नौजवान है, बड़े है, बुज़ुर्ग है, तमाम ये कदरी के जो मदीना हलका, मक्का हलका, ये जो लोग हैं सब एक एक हफ्ता एक एक लोग जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं, जो पंडाल का काम कर रहे हैं, इन सब के लिए खाने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, चाय का इंतज़ाम कर रहे हैं, इन सब का हम तहदिल से शुक्रिया गुजारते हुए ये और काम हम सब भी इस इज्तिमा के काम में शिरकत होने का आप सबको मौका दे जा रहा है। आप सब इस मौके को शुक्रिया गुजारते हुए इस मौके को पूरा तरीके से हम सब मिलकर करने की आप सब कोशिश करेंगे बोल के आप सब से इत्तेजा कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।